अरशद अली के भारतीय पत्रकार महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बनने और कपिल धाकड़ को प्रदेश सचिव बनाने पर समस्त पत्रकारों द्वारा उनको हार फूल माला पहनाकर स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। स्वागत कार्यक्रम के बाद पत्रकार राजू यादव ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि भारतीय पत्रकार महासभा पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रही है। यह पहला ऐसा पत्रकार संगठन है जिसने अपनी शुरुआत समाज सेवा के रूप में की और हॉस्पिटलों में जाकर गरीबों को फल बांटे और गरीबों की मदद की और पत्रकारों के हक की आवाज़ बुलंद करने में भारतीय पत्रकार महासभा सबसे आगे है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आज आप और सब पत्रकार साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं भारतीय पत्रकार महासभा एक संगठन जिसने सारे पत्रकारों को जोड़ने का एक अनुभव प्रयास किया है और शिवपुरी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में इस संगठन के राष्ट्रीय सचिव हमारे राहुल धाकड़ जी मौजूद हैं और साथ में हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हमारे भाई इरफान खान जी है और इसके साथ बड़ी खुशी की बात यह है कि प्रदेश के पदाधिकारी के रूप में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हमारे अरशद अली जी हैं जिन्हें अभी अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही हमारे बीच में भाई दारा सिंह जी हैं जो हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। एक संगठन ने यहाँ गति पकड़ी है और इसकी शुरुआत एक समाज सेवा के रूप में हुई है। निश्चित रूप से पीपल के हॉस्पिटल में जब सेवा का कार्य किया गया तब पत्रकार साथियों ने सोचा नहीं था कि अपनी सेवा कार्य की शुरुआत इस तरह करेंगे। मुझे लगता है ये पहला ऐसा संगठन है जिसने गरीब पीड़ित जबकि सुनवाई की है उसके बीच पहुंचकर अपने कार्यक्रम की शुरुआत की है। मैं आपको बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ कि यह संगठन इस निरंतर आगे तरक्की करे संगठित हो और पत्रकारों के हितों की लड़ाई लड़े। आप सबको बहुत बहुत बधाई। प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और पत्रकारों के लिए जो अभी इतना सारी चीजें सर ऑलरेडी बोल चुके हैं तो मुझे बोलने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो वास्तविकता में पत्रकारों के लिए होनी चाहिए लेकिन वो अवेलेबल नहीं होती हैं। और दूसरी बात की जिस तरीके से संगठन बनाए जा रहे हैं, संगठन का मतलब होता है संगठित हो जाए और जब हम संगठित हो जाते हैं तो हमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब हम संगठित हो गए हैं तो वास्तविकता में उस संगठन की पावर को दिखाना है और एकजुट होकर पत्रकारों के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए जर्नलिज्म के लिए जर्नलिस्ट के लिए तो वो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए और इसको हमें लेने के लिए हम सबको एकजुट होना है और उसके लिए। सर जो आज कार्यक्रम रखा गया है क्या कुछ कार्यक्रम था पूरा बताइए। आज हमारा जो कार्यक्रम था वो हमारे छोटे भाई अरशद अली का जो पहले भारतीय पत्रकार महासभा में प्रदेश उपाध्यक्ष का पद था उनका उनको प्रमोशन देकर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। उस उपलक्ष में आज यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा था और दूसरे हमारे मेरे छोटे भाई कपिल धाकड़ जो पहले प्रदेश सचिव के पद पर थे जिन्होंने मेहनत करके 52 जिलों में जिला अध्यक्ष नियुक्त किए उस काम को देखते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इनको प्रमोशन दिया और राष्ट्रीय सचिव इनको बनाया गया पदोन्नति देकर। इसीलिए मैंने इन दोनों छोटे भाइयों को सम्मानित करने के लिए ये प्रोग्राम रखा था। सर थोड़ा और क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारा तो हमारे संगठन का एक ही मकसद है भारतीय पत्रकार महासभा पत्रकारों की लड़ाई आगे बढ़कर लड़ता है। पत्रकार महासभा का एक ही उद्देश्य है कि पत्रकारों के साथ में होने वाले अन्याय को वो खत्म किया जाए और उनको जितनी सहूलियतें हो सकती हैं शासन से दिलवाई जाए। भाई लोग आया आया आज हमारे आज हमने यहाँ पे जो कार्यक्रम किया है वो मेरे छोटे भाई अरशद अली के स्वागत में ये कार्यक्रम रखा गया है क्योंकि मेरे छोटे भाई को आज प्रदेश उपाध्यक्ष से प्रमोशन देकर प्रदेश अध्यक्ष पद दिया है। उस उपलक्ष में आज यहाँ पर स्वागत सम्मान समारोह रखा गया है और हमारे साथी कपिल धाकड़ जी जो प्रदेश में सचिव पद पर थे प्रदेश सचिव पद पर थे उनको प्रमोशन देकर राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। इसलिए दोनों के स्वागत समारोह के रूप में यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें दोनों का आज स्वागत किया गया पत्रकार महासभा की ओर से और आज यहाँ पर सभी शिवपुरी जिले के और पत्रकार महासभा के सभी पत्रकार साथी यहाँ उपलब्ध हैं और उन सभी लोगों ने यहाँ पर
बड़े जोर शोर से मेरे छोटे भाई का स्वागत किया और आप सभी लोग यहाँ पर पधारे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो संगठन है पत्रकार महासभा जो है वो पत्रकारों की अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए, पत्रकारों के साथ में जो जाति होती है उसके लिए पूरा संगठन एकजुट होकर काम करने के लिए तैयार रहता है। कभी भी किसी छोटे पत्रकार के साथ में कोई हादसा घटता है, कोई अनहोनी होती है या कोई बात होती है, तो उसके लिए पूरा पत्रकार संगठन एकजुट होकर एक स्वर में आवाज उठाता है। जैसे किसी पत्रकार के ऊपर कोई हमला हुआ और उस स्थिति में उसकी पुलिस प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं होती, तो पूरा पत्रकार जो हमारा संगठन है वो नीचे से लेके ऊपर तक प्रत्येक व्यक्ति एसपी से लेके आईजी डीआईजी तक को फोन लगाकर और वो मामले को तुरंत एक्शन में लिया जाता है। ये नहीं कि पेंडिंग डाला रहे, बाद में हो, सुनवाई हो नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि पत्रकारों की जो आपसी भिड़ंत होती है वो होती है पुलिस वालों के साथ में किसी भी मामले को लेकर, और पुलिस वाले नाजायज तरीके से पत्रकारों को दबाने का प्रयास करते हैं और उस प्रयास को विफल करने के लिए ये एकजुट होकर पूरे पत्रकार एक संगठन के रूप में काम करते हैं और पत्रकारों की हक की लड़ाई लड़ते हैं। दूसरी एक समस्या और सबसे बड़ी जो देखने में आई है पत्रकारों के साथ में कि पत्रकारों को कोई भी सैलरी तो मिलती नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं मिलती, पत्रकार अपने पैसे पे अपने खर्चे पे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।